नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक इराज राजा द्वारा रात्रि भ्रमण के दौरान दो सिपाही की भूमिका संदिग्ध होने के कारण 12 चेक पोस्ट पे तैनात दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने 12 चेक पोस्ट को स्थायी रूप से बंद किए जाने और नई पिकेट सिस्टम लागू किए जाने के संबंध में सुने गाजीपुर पुलिस अधीक्षक इराज राजा की जुबानी रिपोर्ट। सर, दो दिन पहले जो है 12 जो चौकी पर जो है आपके द्वारा कार्रवाई की गई थी, किस तरह की कार्रवाई की गई थी सर? रात्रि भ्रमण के दौरान कुछ कमियां मिली थी और वहाँ पर कुछ दो सिपाही थे जिनकी भूमिका कुछ संदिग्ध प्रतीत हुई थी, तो उसी के आधार पर उनको दोनों को लाइन हाजिर किया गया है एवं उनकी जांच क्षेत्र अधिकारी को दी गई है और जांच के उपरांत अगर वो लोग दोषी आएंगे तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। सर, उस चेक पोस्ट पर भी क्या किसी की तैनाती की गई है या नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक उस चेक पोस्ट को फिलहाल अस्थायी रूप से उसको बंद कर दिया गया है। हाईवे पर बहुत ज़्यादा चेकिंग का कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग चेकिंग जो है मेनली कस्बों में नई पिकेट सिस्टम प्रणाली लागू करेंगे जिसमें कस्बों में मुख्य स्थानों पर व्यवसायिक संस्थानों के आसपास, सर्राफा के आसपास, मार्केट्स के आसपास ऐसे स्थानों पर पिकेट्स की स्थापना की जाएगी और जो हाईवेज हैं उन पर पिकेट हमारी नहीं रहेगी लेकिन हमारी पेट्रोलिंग रहेगी ताकि हम हाईवे के अपराध रोक सकें। और मेनली हमारी जो पिकेट सिस्टम स्टैटिक पिकेट्स जो हमारी रहेंगी वो सभी आबादी क्षेत्रों में, सभी कस्बों में हम लोग पूरा पिकेट और चेकिंग सिस्टम 24 घंटे का स्थापित करने जा रहे हैं। गाजीपुर से खबर समय जगत के लिए राम प्रवेश राय की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।